824 साल बाद पुनर्जन्म। सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ये सत्य है। भूटान के 3 साल के प्रिंस ट्रुएक वांगचुंग ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने लगा। उसने ये भी बताया कि वो बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी रहा है और वहाँ शिक्षक भी था। उस समय उसका नाम विरोचना था। लिहाजा हैरान परेशान भूटान घराना 3 साल के प्रिंस को लेके भारत आ गए। भारत आने के बाद वो फौरन बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, जो 750 सालों तक ज्ञान का केंद्र रहा था, लेकिन अब वो महज एक खंडर भर था। अचरज की बात यह है कि 3 साल के प्रिंस ने नालंदा के खंडहर को देखने के बाद एक एक चीज ऐसे बताई जैसे कि वो उसका अपना घर हो। जी हाँ, उसने ये बताया कि वह किस तरह से पूजा किया करता था, उसकी क्लास कहाँ चलती थी, लोग कहाँ पढ़ते थे, कहाँ बैठते थे। उसने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। भूटान की महारानी दोर्जी बांगचू कहती है, उसके नाती ने जो कुछ बताया है वह अद्भुत है। प्रिंस ने नालंदा से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताया। उधर नालंदा के शिक्षाविद प्रमोद कुमार कहते हैं कि यह नालंदा का भाग्य है कि 824 साल बाद प्रोफेसर विरोचना ने भूटान के प्रिंस के रूप में अवतार लिया और उन्हें नालंदा याद रहा।